दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योति और प्रवीण मामले में आज आपको बताता हूँ कि जिस दिन ज्योति प्रवीण को छोड़कर गई थी, उस दिन प्रवीण कहाँ था, क्या बातें हुई थी आखिरी बार प्रवीण की और ज्योति की, ये सब कुछ आज आपको बताता हूँ। और साथ में ये बताता हूँ कि प्रवीण अब क्या कर रहा है, क्या काम लग गया प्रवीण, और ज्योति के बारे में आज प्रवीण ने क्या बताया, सब बातें आपको बताऊंगा। इससे पहले आप सभी को कहना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज प्रवीण ने बताया कि जिस दिन ज्योति घर छोड़कर जाती है, उस दिन मैं काम पर से आया था। काम पर आने के बाद ज्योति ने मुझे खाना दिया और ये भी कहा कि आप पहले नहा लो, नहाने के बाद खाना खा लेना। तो प्रवीण बोला, मैं थका हुआ हूँ, रात की नींद है, क्योंकि प्रवीण उस समय गाड़ी चलाता था, ड्राइवर की नौकरी करता था। तो प्रवीण ने कहा कि मैं अब थक गया हूँ, सिर्फ खाना दे दो, नहाऊँगा नहीं, मैं पहले आराम कर लेता हूँ, कुछ देर सो लेता हूँ, फिर उठ कर नहाऊँगा। तो रोटी खाने के बाद आंगन में चारपाई थी, उस चारपाई पर वो अपने बेटे के साथ लेट जाता है, और दूसरी खाट पर प्रवीण की बेटी सो रही थी, उसी खाट के ऊपर ज्योति बैठी हुई थी। ज्योति ने प्रवीण को कहा कि आप अपना फ़ोन दे दीजिए, मैं फ़ोन चलाती हूँ, फ़ोन देख लेती हूँ कुछ देर। तो प्रवीण ने ज्योति को फ़ोन दे दिया, प्रवीण को नींद आ गई, प्रवीण अपने बेटे के साथ सो गया और ज्योति अपनी बेटी की चारपाई पर बैठी फ़ोन चलाती रही। उसके बाद जब प्रवीण उठा, तब प्रवीण को पता लगा कि ज्योति घर पर नहीं है। फिर प्रवीण ने सभी जगह ज्योति को ढूंढना शुरू किया और बाद में पता चल गया प्रवीण को कि ज्योति चली गई है। फिर जाकर प्रवीण चौकी के अंदर दरखास्त देता है, उसके बाद आप सारे मामले से अवगत हो। अब आपको बताता हूँ कि प्रवीण अब क्या काम करता है। दोस्तों, प्रवीण अब गाड़ी चलाने लगा है, बोलेरो पिकअप गाड़ी चलाने लगा है। वो किसी भाई ने प्रवीण को गाड़ी दी है और ये कहा है उस भाई ने कि आप गाड़ी चलाओ, अपना परिवार चलाओ और कुछ बच्चे, कुछ कमाई हो तो कुछ हिस्सा हमें भी दे देना गाड़ी में। और उस भाई का नाम है धर्मवीर। धर्मवीर भाई ने बोलेरो पिकअप गाड़ी दी है और धर्मवीर भाई ने प्रवीण को ये भी कहा है कि अपनी ईमानदारी से सही तरह काम करते रहो, अच्छा काम चलेगा आपको, आप भी अपने बच्चे पालो, आपको भी कुछ कमाई होगी और कुछ कमाई का हिस्सा हमें भी दे देना, क्योंकि उसकी गाड़ी है धर्मवीर भाई की। और धर्मवीर भाई ने बताया कि मैं प्रवीण को एक ड्राइवर की तरह नहीं, भाई की तरह रखूँगा। और प्रवीण ने भी धर्मवीर के सामने यही कहा मीडिया के ऊपर कि धर्मवीर भाई मुझे ड्राइवर की हैसियत से नहीं, बल्कि मुझे एक गाड़ी का मालिक बना कर रखा है गाड़ी के ऊपर और अपने भाई की तरह ही मुझे समझते हैं। तो दोस्तों, प्रवीण अब दोबारा फिर काम पर लग गया, गाड़ी चलाने लगा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। उसके एक बेटा एक बेटी है, माँ है, बाप है, परिवार चलाना है उसको, घर के खर्च चलाने, इसलिए कुछ काम करना था। तो प्रवीण अब काम पर लग गया और उस धर्मवीर भाई को भी हमें बहुत धन्यवाद बोलते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा सोचा कि गाड़ी दी है प्रवीण को चलाने के लिए, और वो भी ड्राइवर की हैसियत से नहीं, उसका मालिक ही बना दिया है प्रवीण को। प्रवीण के बच्चे हैं, प्रवीण के माँ बाप पाल रहे हैं और प्रवीण की माँ की तबीयत भी डाउन है, यानी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, परेशानी तो इनको बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। और अब तक ज्योति आई नहीं है, प्रवीण ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है ज्योति आएगी, ज़रूर आएगी ज्योति, और जिस दिन ज्योति आएगी मैं ज्योति के साथ मीडिया के सामने आऊँगा और सबको ये बताऊँगा कि आज ज्योति आ गई है। उस दिन ज्योति से पूछना कि प्रवीण नशा करता है या नहीं। ज्योति और प्रवीण की ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, ये मुद्दा बहुत वायरल हुआ था। जनता सिर्फ ये चाहती थी कि ज्योति प्रवीण के पास लौट आए, अपने बच्चों के पास आ जाए या अपने बच्चों को अपने पास रख ले। सभी लोगों की यही भावना थी कि मात्र 2 महीने का बच्चा था, वो 1.5-2 महीने का बच्चे को छोड़कर ज्योति गई थी, तो उन बच्चों के पास ज्योति आ जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को माँ की बहुत ज़रूरत होती है, माँ के बिना छोटे बच्चे नहीं पलते। ये सब यही सोच रहे थे कि जल्दी ही ज्योति आ जाएगी, परंतु ज्योति अब तक नहीं आई है। आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है, ज्योति आती है या नहीं। बाकी धीरे धीरे जीवन की गाड़ी प्रवीण की है, वो पटरी पर है, लौट आई है, और आशा व उम्मीद करते हैं कि इनकी
जो भी लड़ाई है वो सुलह हो जाए और ज्योति प्रवीण और बच्चों के पास लौट आए। तो इसी बात के साथ सबको राम राम नमस्कार, बने रहिए रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर। सबको राम राम नमस्ते।